सबने यही बोला था, कह रहे कारगिल में मिल जाएगा, सारी जगह से निराशा हाथ लगी। एक मिनट, अरे ये देखना, ये देखो भाई -10 चल रहा है, इन्होंने एसी लगा रखे हैं। इतनी हाइट पे हम पहुंच चुके हैं अभी। ओ भाई स्नो लेपर्ड दिख गया यहां पे ना, ऑक्सीजन की कमी। वो गई। मजा ना आ जाए तो क्या। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई हम कल ही लद्दाख क्रॉस कर चुके थे, क्योंकि कारगिल लद्दाख के अंदर ही है, बस अब आगे निकलते हैं। अभी हम बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच हैं। मज़ा आ गया था देख के यार। अंदर इतनी गर्मी नहीं है, मैंने जैकेट फिर भी पहन ली, क्योंकि अभी बाहर जाते ही माइनस में टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है। रात को जैसे -7 था, बिल्कुल जब हम सोने के टाइम गए वहाँ पे -11 तक पहुँच गया था, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया। खाना वगैरह आ चुका है, वो खा के परांठे ही हैं, फिर निकलते हैं। तो चलो भाई, ऑलमोस्ट हमारा सामान डन हो गया, पैक हो गया पूरा, खाना वगैरह हमने खा लिया। बाय बाय रूम, निकल रहे हैं अब हम। चेकआउट का टाइम हो गया, जितनी जल्दी निकलेंगे उतना ही बेस्ट है। आज मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हम निकले हैं 11:30 भाई, 12 बजे से पहले चेकआउट, मतलब बहुत ज़बरदस्त। नहीं तो हम निकलते हैं 12-1 बजे, सोते ही नहीं है। रात को भी मेरे ख्याल से मैं बहुत लेट सोया था, और सुबह जल्दी उठ के नहा धो के आपसे बात कर रहा हूँ। तो चलो निकलते हैं सीधा ले के लिए। बीच में रुक के थोड़ा सा आपको व्यू भी दिखा दूँगा, अच्छे से अच्छा दिखा देंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए प्रस्थान करते हैं, सबको बाय बाय। लाइट की शॉप में, गाड़ियों की शॉप पे, जो मेरा अपनी हाई बीम ख़राब है ना भैया से पूछने के लिए, है भैया ये नहीं, ये तो मोटी लग रही है, ये तो मोटी वाली लाइट है भाई, ये नहीं है, होगा दूसरा, होगा दूसरा, मैं चेक कर लूँ। हाँ चेक कर लो आप। तो भाई अब निकले हैं हम लेह के रास्ते के लिए। लेह भैया कितनी देर का रास्ता है यहाँ से? चार घंटे का रास्ता बोल रहे हैं। अगर हम रुक के जाएंगे वही 4.5-5 घंटे लगाओ लग जाएगी, इसलिए हम जल्दी निकले हैं। 11:15 हुए हैं, हार्ड टू हार्ड 4:30-5 बजे तक लगाओ कि अगर हम पहुँच जाएंगे। फिलहाल यार लाइट मिल जाए हमें ना, थोड़ी सी कहते हैं ना, थोड़ा सुकून मिल जाएगा, थोड़ा चैन मिल जाएगा, हाँ हौसला आ जाएगा लाइट आ गई। क्योंकि भैया रात पूरा लाइट के बिना चलती नहीं है गाड़ी, सबने यही बोला था, कह रहे कारगिल में मिल जाएगा। हम पूछते पूछते रुकते रुकते यहाँ तक पहुँच जाएंगे, चलो कारगिल में मिल जाएगा तो अच्छी बात है। चलो भाई थोड़ा कुछ काम चला, भैया बोल रहे देख लेते, बोनट बोलना, भैया कह रहे कुछ काम चला, देखते हैं। नहीं जला नहीं अभी, ये जला है लाइट जलाना भैया, क्या पता जल जाए। हाँ क्या पता तारी हिली हो थोड़ी सी, यही जल जाएगा। नहीं जल्दी ना, नहीं जल रहा अभी। हम लगे हुए हैं भाई ढूंढने के लिए बल्ब, अभी ये दुकान इधर से पूछ लेते हैं। अभी तक कम से कम मैंने 100 दुकानें देख ली होंगी, अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं, सारी जगह से निराशा हाथ लगी है। भैया फॉर्च्यून का हाई बीम बल्ब मिलेगा? यहाँ भी नहीं भाई, मोटे वाला बल्ब है ना यार, यहाँ पे सबके पास छोटे वाले हैं, पतले वाले। दिक्कत कुछ नहीं है, अभी 11:30 हुए हैं, 4 बजे तक भी सोचो गाड़ी लग गई, लेकिन अगर वहाँ पे हमें रात को गाड़ी चलानी पड़ गई तो पंगा पड़ जाएगा। अभी एक जगह और पूछा था मैंने, यहाँ पे एक शॉप है, वो कह रहे हैं लेह में मिल जाएगा, पीछे से बोल रहे थे कारगिल में मिल जाएगा, ऐसे ऐसे आगे भेजी जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं जो होगा। एक जगह और पहुँचे हैं, यहाँ पे हमने बोल दिया भैया यार आप मंगवा ही दो, जो भी होगा देख लेना, यहीं से हमसे ही ले लेना, लेकिन मंगवा दो। कह रहे चलो हम पिन पता कर लेते हैं, पिन कौन सी है कहीं नीचे, क्या पता हमने वो दुकान मिस कर दी हो, हमें पता भी नहीं ना यार, फर्स्ट टाइम आया तो नहीं पता लगता है। तो देखो अगर ये मंगवा देंगे तो अच्छी बात है यार, हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम मुझे जाना है वो जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है ना रेड कलर की, वहाँ तक। तो भाई थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी हिम्मत, अगर बल्ब चाहिए हमें, कुछ अपना प्रॉपर काम चाहिए ना तो करना पड़ेगा यार। अब तो ऐसा लग रहा है पहाड़ की आदत सी हो गई है, चल चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना। उधर तक जाना भी सफल नहीं रहा भाई, दिक्कत ही हो गई है, नहीं मिला। तो हमने भैया को बोला कि भैया आप खुद ही ढूंढवा दो, मिला दो, सेवा पानी भाई आप ही ले लेना, जो भी है हमारे लिए थोड़ी सहूलत हो जाएगी या थोड़ा आसान हो जाएगा गाड़ी चलाना। और यहाँ से इन्होंने पूछा कि आप ले जा सकते हो, मैं हर बंदे से पूछता हुआ जा रहा हूँ कि हम ले जा सकते हैं ना अगर बाई चांस बर्फ़ गिर गई तो। वो कह रहे कोई बात नहीं आप जा सकते हो ले, अगर बर्फ़ गिर गई ना वो इस रूट पर हटा देते हैं, आप आ भी सकते हो वापस। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि रिस्क है, लेकिन हाँ मनाली वाला रोड बंद है आगे से, शिमला वाला बंद है, अब देखते क्या होता है। मैं तो एक शॉप तक गया था, वहाँ पे तो नहीं मिला बल्ब, अब आगे देखते हैं। भैया को बोला है कि आप खुद ही फ़ोन करके देख लो, उनकी शॉप है यहाँ पे। दूसरे भाई आ गए हैं लेके बल्ब, देखते हैं होता है तो नहीं, होगा नहीं होगा देखते हैं। वैसे सच बताऊँ यहाँ पे ये काम यहाँ पे ऑल्टो, ऑल्टो नहीं बोलते सॉरी इसको, क्या बोलते हैं लॉर्ड ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो बोलते हैं भाई इसको। फॉर्चुनर भी फेल है इसके सामने पहाड़ों में, तो मैंने देख लिया क्या जाती है मक्खी की तरह ही निकल जाती है गाड़ी आगे। ये वाला रोड खुला रहेगा, जो भैया बंद कौन सा रहेगा रास्ता? जोर जिला बंद कर देंगे, वो खुलेगा मार्च में, तो देखते हैं। अब हम यही बोलते हैं कि भाई बर्फ़ ही ना पड़े अभी तो।
यही बोल सकते हैं भाई, बर्फ ना पड़े, नहीं तो मार्च में खुलेगा जाके, है ना। लेकिन ये वाली रोड तो खुली रहेगी ना, है ना, ये तो खुली रहेगी। अगर बर्फ भी पड़ गई तो हटा देते हैं इस रोड को। चलो जोर जिला का रास्ता थोड़ा रिस्की है। ये डला भाई, अब ये लाइट है वाइट। चलो यार कुछ ना से कुछ तो भला, अब वाइट लाइट ही अरेंज हुई है। हमने कहा दोनों साइड से चेंज कर दो, एक साइड येलो एक साइड वाइट, वो गंदी लगेगी, फिर दोनों साइड से चेंज करवा रहे हैं। बाकी चंडीगढ़ में जाके देखते हैं क्या होगा फिर। हाँ वो रहा, अंदर ही नहीं घुस रही लाइट भाई, लाइट अंदर नहीं घुस रही है, ये तो देखा ही नहीं पहले। बंदा पहले एक था फिर दो हुए, अब तीनों भाई आ गए हैं। हमने किसी तरह भी करो जुगाड़ कर दो। तो ये अलग है, ये ओहो ये जो है हमारी वाली लाइट है ये वाली, और ये है दूसरी जो भी लगवानी है। ये तो अंदर ही नहीं घुस रही ना। चलो देखते हैं अब क्या होता है यार। इसके लिए हमें कम से कम पूरा आधा घंटा लग गया अभी यहाँ पे, अभी आगे भी जाना है। अगर ये लाइट लग गई ना, ये वाइट लाइट है, तो अच्छा हो जाएगा। फिर अगर हमें येलो लाइट लगवानी है तो चंडीगढ़ जाके चेंज करवा लेंगे। बट यार तीनों भाई से हो तो जाए काम। ओ भाई पहाड़ों के बीच में गाड़ी लेके खड़े। यार ये तो काम चलता रहेगा, मैं पानी पी लेता हूँ। हमने जो जुगाड़ किया है यहाँ से, ये जुगाड़ किया पानी का, दे भाई बोतल लगा। हाँ बस बस ऐसे ही भर जाएगी बोतल। अभी हो गया 40-45 मिनट हो गया, दोनों तीनों भाई लगे हुए हैं करने के लिए। मैंने कहा भाई कर दो किसी तरह, तो हमें थोड़ा हिम्मत तो मिले, हमारी आंखें आ जाए रात को, क्योंकि रात को चलती नहीं यार गाड़ी, बहुत मुश्किल हो जाता है। काने होते हैं काने हो जाते हैं। टाइम इतना लग गया हमने ना, चेयर वार निकाल दी सिटिंग हम अपने साथ में लेके चलते हैं। आप एक चीज़ देख रहे हो, हर्डल्स डेली आ रही हैं, दिक्कतें प्रॉब्लम्स डेली के डेली आ रही हैं, लेकिन उनसे टैकल करना भाई वो अलग चीज़ है। वो टैकल करना है, दिमाग पे हर्डल को हावी नहीं होने देना, गुस्सा नहीं आने देना, क्योंकि एग्रेशन भी आ जाता है यार। भी शांति में चलना कि कोई बात नहीं हो जाएगा। अब ये वाली लाइट ठीक है, तो बोला कि दोनों लाइटें चेंज करवा देते हैं। अब उधर का कपलर लूज़ हो गया, लगे हुए हैं करने। अब भाई दूसरी लाइट लेने गए हैं, क्योंकि एक का कपलर मोटा था एक का पतला था, कुछ होगा लाइटों का भी दिक्कत, वो लेने गए हैं दूसरी लाइट, वो लगेगी। तब तक भाई बैठे हैं, बस आज का टाइम घोटी होगा, इतनी जल्दी सुबह उठ के नहाना धोना निकलना मुश्किल हो गया यार। आज हम बहुत जल्दी उठ के निकले हैं, पता है कि हम पहुंच जाएंगे लेट टाइम पे, एक घंटा ये पे लग गया हमें, ये करें ले तो पहुंच जाएंगे भाई। कोई बात नहीं भाई, नहीं होगा भाई, पूछ रहा ऑक्सीजन का कमी तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं कहा नहीं भाई, हमें तो चाहे गुफा में घुसा दो, हमें ठंड भी नहीं महसूस हो रही यहाँ पे, इतनी ठंड है। हाँ -11 था रात को, इतना महसूस नहीं हुआ भाई। बात है यहाँ पे बंदों को सांस की दिक्कत होती है, लेकिन अपा तो रामदेव के भक्त हैं, चले हैं फेफड़ों तक हवा लेके, फिर छोड़ते हैं, लो बिलो भी शुरू कर देंगे। फिर भी भाई हुआ नहीं, यहाँ पे तो लगी है वाइट लाइट और दूसरी साइड अपनी ही लाइट लगी है। तो चलो जो भी होता है, डेढ़ घंटा लेट हो गया। थोड़ी सी दूरी पे आए हैं, बर्फ बुरफ का तो नाम निशान नहीं है, लेकिन तिरंगा दिख रहा है पहाड़ों पे, क्या जबरदस्त लग रहा है यार। इसको तो भाई सलूट बनता है वाला। बर्फ भाई कहीं भी नहीं है, बस वो है देखो सामने पहाड़ों पे दिख रही है, वो भी थोड़ी थोड़ी सी। जो बर्फ नवंबर एंड में पड़ जानी चाहिए थी, दिसंबर निकल गया और जनवरी की 10 तारीख हो गई है, 9-10 तारीख हो गई, तो भाई अभी तक नहीं पड़ी है। समझ लो ग्लोबल वार्मिंग करो भाई, पॉल्यूशन और नेचर खत्म हो रहा है। चलो निकलते हैं अब यहाँ से आगे की तरफ, ले पहुँचना है जल्दी, नहीं तो और लेट हो जाएंगे। देखो भाई दूर दूर तक कोई दिख रहा है, कोई भी टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ लोडिंग की गाड़ियाँ जा रही हैं, जो ऊपर लोग रहते होंगे या और कुछ, सिर्फ लोडिंग जा रहा है और कुछ नहीं है। जैसे ये लोडिंग की एक गाड़ी है, ये जा रही है यहाँ से, और कुछ नहीं है भाई। दूर दूर तक सिर्फ सूखे पहाड़ और कुछ नहीं है, बर्फ सिर्फ उस साइड पड़ी हुई है, वो भी ऐसा लग रहा है कि फ्रिज को किसी ने बंद कर दिया होता है।
निकल रही है वो बर्फ भी, बर्फ कहीं नहीं है, बस यहाँ पे -7 टेम्परेचर है अभी इस वक्त, 2 बज रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें मेन जाना था लेह में, अभी तक का जो सफ़र किया है ठीक रहा है, आपने देखा ही है। अभी तो यार सच में हिम्मत ऐसी टूट रही है यार, बर्फ़ क्या, बर्फ़ का तो नामो निशान ही नहीं है कहीं भी, सूखे सूखे पहाड़ हैं और ऑक्सीजन की तो कमी है ही है सच में यहाँ पे। तो अभी हम लंबे लंबे सांस खींच रहे हैं, ले रहे हैं, तो चलो जहाँ तक जाया जाता है ऊपर तक चलते हैं, यहाँ पे एक दो फोटोज ले लेते हैं यार, बिल्कुल सूखे पहाड़ पड़े हैं। ये देखना, ये देखो भाई -10 चल रहा है, इन्होंने एसी लगा रखे हैं भाई। कौन से एसी चलते हैं, जहां हम रुके थे वहां भी बाथरूम में पंखे लगा रखे थे। ओ भाई कहां आ गए। अभी हम पहुंचे हैं फोटुला टॉप पे, हाइट देख लो कितनी है, 13,479। क्या बोला तूने? 13,479 इतनी हाइट पे हम पहुंच चुके हैं अभी, और ठंड भाई बहुत ही ज्यादा लगी है यहां पे। ओ वाओ, बट व्यू है, अब लग रहा है कि थोड़ा हो सकता है कुछ दिखे हमें वहाँ पे, स्नो पड़ी हो, लेकिन अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर लेह रोड, ये देखो भाई यहाँ पे पूरा आर्मी वाले हैं सेफ्टी के लिए, पूरे आर्मी वाले सेफ्टी के लिए हैं यहाँ पे। तो चलो आगे चलते हैं, ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है। इस साइड है, अभी हमने जाना है यहाँ पे। चलो भाई हमने यहाँ पे भी टिपट ये ना निकल गया था, हाँ ये वाला पता नहीं चला, ये वाला निकल गया था। चलो चलो चलते हैं, बहुत ठंड है। चलो भाई चलते हैं अब आगे। अभी भी हम रोड पे ही हैं, मतलब अभी भी रास्ते पे ही हैं, कोई गांव आ गया वहाँ पे, यहाँ पे रुके हैं अभी सुसू करने के लिए, बहुत जोर से आ रहा है। ये वाला बंद पड़ा हुआ है, बट ये पानी चल रहा होगा यहाँ से, ये भी बंद है क्या? बंद, बाहर ही करना पड़ेगा भाई। बस अभी सुसु करके आया हूँ, आप मानोगे ठंड इतनी है, 2 मिनट तो सुसु नहीं आया, बस खड़ा ही रहा मैं, इतनी ठंड हो रही है, हाथ ना जमे पड़े हैं, बस सूरज का सहारा है। ऐसे नहीं है सूरज की गर्मी आ रही है, बस देख के ना, बस बीरबल की खिचड़ी वाला हाल हो रखा है, बस देख के ना गर्माहट में ले रहे हैं हम, बस देख के सेक नहीं आ रहा भाई। सही लिखा है, लव द नेबर बट नॉट वाइल्ड ड्राइविंग। पानी खत्म हो गया अंदर, क्योंकि पहाड़ों पर ना मुझे ऐसा लगता है पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, और पानी कम नहीं रहना चाहिए शरीर में, तो हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं, इसलिए टैंकर लेके चले थे पूरा 20 लीटर। ये है इंडस रिवर, सिर्फ यही नहीं जमी हुई अभी, ये चल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है, और एक साथ में रिवर चल रही थी हमारे, वो तो बिल्कुल ही जमी हुई है सारी की सारी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, यार व्यू है यार, दौड़ मत, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ना ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे अगर दौड़ेंगे ना तो सांस फूलती है। ये ना रास्ता बंद किया हुआ है, गाड़ी के जाने का रास्ता है ये, लेकिन बंद किया हुआ है यार, फील है वहाँ तक है बस, धूप देख रहे हो उस पहाड़ में है धूप, बस वहीं तक है धूप, और नीचे नहीं है। इसके साइड में आप देख लो फिर भी बर्फ जमी हुई है, ये बस बहुत थोड़ी इंडस रिवर थोड़ी बड़ी रिवर है, इसलिए बहाव इसका फास्ट है, जमी नहीं हुई, लेकिन दूसरी रिवर जमी हुई थी, और अभी भी बर्फ के कोनों में देख रहे हो ना, रिवर के कोने में बर्फ जमी हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर है यहाँ पे, कोई ग्रीनरी नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए यार ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे। मैं सिर्फ धीरे धीरे चल रहा हूँ, मैं ज्यादा दौड़ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्यों रिस्क लेना किसी बात का। चलो भाई चलते हैं थोड़ा और आगे, जहाँ दिल करेगा वहीं रुक जाएंगे, अभी ले 105-106 किलोमीटर दूर है, जहाँ अच्छा लगेगा वहीं पर रुक जाएंगे। आई थी फॉक्स,
वो जा रही है फॉक्स बिल्कुल भी उसे देख रही है। देखो हमें देख रही है, आया उसको ऐसा लग रहा पता नहीं कौन आ गया शिकारी। देख रहे हो कैसे देख रही है, वो जा रही है निकल गई पूरा भाई पूरा पोज देके गई है पूरा। अभी हम एक मार्केट में रुके थे गेस्ट हाउस पूछने के लिए, ये देखो भाई सही सही बढ़िया शेवल यहाँ पे, तो कहाँ हमने वहाँ से लिया था चंडीगढ़ से यार। यहाँ पे देख लो इतने बढ़िया बढ़िया ये हैं, गेस्ट हाउस वगैरह सभी बंद पड़े हैं क्योंकि ऑफ सीजन स्टार्ट हो गया है अभी, तो हम ऑफ सीजन में आए हैं। यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है ना इसलिए कोई आता नहीं, अभी बर्फ़ नहीं पड़ी, हम आ गए तो चलो चलते हैं आगे। हमने सोचा कि कुछ मिल जाएगा यहाँ पे रहने के लिए तो यहाँ पे रुक जाएंगे, लेकिन नहीं मिले। देख रहे हो कितने बड़े बड़े होटल ऐसे ही बंद पड़े हैं। चलो बस दिखाने के लिए रुका था, अगर वैसे खुला होता हम रुक जाते। बस और थोड़ी दूर रह गया ले, लेकिन हम पता क्या चाहते हैं कि यार अगर ना अच्छा व्यू मिले ना दिन में चलेंगे ले, तो रोड बहुत प्यारी है उसकी, बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत बढ़िया। पत्थर तो कैसे गिरे पड़े हैं बीच बीच में। यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए इस कैफे पे रुके हैं, ले स्टार्ट हो गया और रोड यार क्या प्यारी प्यारी आ रही है बीच में, ओए होए 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 फिर स्वाद ही आ गया, मतलब बुल्ले लुट रहे हैं नज़ारे ले रहे हैं बस। ओ भाई और भाई SBI छोड़ो वो तो भाई, ये देख ब्लर आ रहा है अब ठीक है। यार ये कितना प्यारा बना हुआ है ना, जय हिंद वंदे मातरम। ये है डिकैथलॉन, ये भैया मिलिट्री वालों का डिकैथलॉन भाई, जाके आएंगे भैया क्या सिस्टम है देखते हैं। मिलिट्री वालों का डिकैथलॉन है, कुछ अलग ही मिलता हो सामान भाई, सौदा पता लग। ओ भाई स्नो लेपर्ड दिख गया, आज आज ये रहा यही है स्नो लेपर्ड देख लो। तो भाई अभी हम आए हैं खाने खाने के लिए, कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, बस कल मैंने आवाज़ कम की है, टीवी चल रहा था बहुत ज़्यादा, वॉल्यूम हाई थी, मैंने कहा एक बार बता दूँ मैगी आए हैं, इसके बाद हम निकलते हैं फिर आगे के लिए। अभी मैगी ऑर्डर की और कॉफ़ी दोनों पी के फिर चलते हैं आगे। अब चला देता हूँ भाई, ऑन कर देता हूँ वॉल्यूम फुल आ गया। आपकी ड्राइविंग के हिसाब से नहीं भाई, हमारी ड्राइविंग के हिसाब से शॉर्टकट भी है। अच्छा नहीं शॉर्टकट नहीं, हम जाएंगे नॉर्मली जाएंगे, जैसे चल रहा है ठीक है। ठीक है भाई मैं बताऊंगा, अगर कोई भी आ रहा है ले पे तो आके मिलिट्री कैंप पे पहले ये कौन सा एरिया पड़ता है अपना, नीमू मैकमी कैफे भाई आ जाना, बहुत बढ़िया जबरदस्त मैगी बनाई थी भैया ने और यार कॉफी बड़ी जबरदस्त थी। थैंक यू भैया, आपका नाम क्या भैया? कमाई। एंड यू? मेरा विकास। भाई साहब आप यहीं से लोकल ही हो? नहीं मैं मणिपुर का। अच्छा आप मणिपुर का हो ना, उत्तराखंड के। ठीक है भाई जान, थैंक यू ओके थैंक यू बाय बाय सर। भाई बहुत ज़बरदस्त खाना था, सारा मिलिट्री के अंदर आता है, मिलिट्री के अंदर ही आता है इसलिए बहुत बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, माइनस में चल रहा है टेम्परेचर, सारे गाड़ी में चले गए हैं। मैं आया लास्ट में, मैंने कहा यार मैं तो ब्लॉग शूट कर लेता हूँ, बस अब चलते हैं 6:30 हो गए हैं, हमें पहुँचने में भी टाइम लग जाएगा, वो तो बोल रहे हैं कि आधा घंटा लगेगा, मुझे पता है ना यार ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो चलो ब्रो निकलते हैं। कैसे के बाद पहुँच गया पेट्रोल डलवाने, वैसे आधा टैंक है लेकिन हमने अभी डलवाना है और आधा टैंक है, मैंने कहा अगर बाई चांस लंबी चल गई आगे पेट्रोल पंप होगा, बट हम चलते हैं। यहाँ पे रेट देखूँ क्या रेट है, यहाँ पे है भाई 89 अच्छा ये है लीटर 89 ऑटो कट भाई जी, ऑटो कट फुल कर दो, डीजल है 89 यार सेम रेट है भाई, यहाँ पे रेट सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, बीच में आया था थोड़ा सा 82-84 रुपये, यहाँ पे सही है, बस आधा टैंक तो था ही, बस फुल इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सेफ्टी के लिए है। पेट्रोल है 104, पेट्रोल तो शहीदी मांगता है भाई, पेट्रोल नहीं ऐसे, पेट्रोल तो कतलेआम मांगता है।
चलो भाई ठीक है, बस यहाँ से फुल करवा के फिर निकलते हैं। हो गया भाई, हो गया अपना डला है, अपना 53 लीटर डला है ना, जो डीजल को जमने नहीं देता, वो लिक्विड लेके आए थे, बस ये लेके आए थे जो जमने नहीं देता, इसको भी भैया पूरा डाल दो खोल के ना, ये जमने नहीं देता डीजल को। अच्छा जी, हाँ ऐसा ही रहता है, तो ये जरूरी है ना यहाँ के लिए, तो भैया बहुत जरूरी है ये। रात हो गई है यहाँ, तो अभी हुए हैं 7:30 हुए हैं, हमें यही होटल दिखा अभी हाई लव ले, तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, भैया से पूछा रूम वगैरह कह रहे हैं अवेलेबल हैं, तो देखते हैं बातचीत करते हैं, होटल तो बहुत बढ़िया लग रहा है, सभी झंडे लगे हुए हैं, तो चलो अंदर चलते हैं रूम्स वगैरह देखते हैं, और आगे यार जाने का भी है नहीं, मेरा तभी दिल था कि मैं सुबह सुबह आऊँ जल्दी, मतलब निकले बीच में कुछ अगर गेस्ट हाउस मिलता तो लेते हैं, वरना ऐसे होता ना यार, अब रात रात में वीडियो भी नहीं इतनी बन पाई, तो चलो फिलहाल सामान निकालते हैं यहाँ से। सबसे ज़रूरी काम जो करना है हमने वो करना है पानी निकालने का भाई, ये पानी निकल रहा है गाड़ी का, अपने को सिर्फ पानी निकालना है, ये पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, पानी निकलेगा तो जाम हो जाएगी गाड़ी, जम जाएगा अंदर पानी, गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी फिर, तो पानी निकाल रहे हैं हम, कुछ और मिला नहीं था तो हम सोचा वोदका डाल लेते हैं, वोदका लेके आएंगे, तो इसलिए पानी निकाल रहे हैं। लो जी हो गया खत्म पानी, तो चलो चलते हैं सामान निकाल के अंदर, बातचीत करते हैं अंदर क्या है क्या नहीं है। ऐसे ऐसे बंद होती है भाई गाड़ी, और इंदा सो रखे तीनों दिन, बहन जी ने अपना मुंह खोल के रखा था, मुंह फुला के रखा था, वैसे फॉर्चुनर भाई साहब में आता है, बहन जी में आता है, भाई साहब ने मुंह फुला लिया था अपना तीनों दिन। तो इस होटल में भी स्टे किया है द अब्दुस, बहुत प्यारा होटल है, अच्छा होटल है, अभी रूम्स हमें पता नहीं रूम्स कैसे हैं कैसे नहीं है, चलो कोई बात नहीं भाई, धन्यवाद। अच्छा ये ज़रूरी होता है अच्छा ये आगे वेलकम है, थैंक यू। पहले हमारा दिल था कि हम पीछे रुक जाएं, क्या नाम था उसका, नीमो कुछ था वहाँ पे उज्जैन, लेकिन उसके बाद वहाँ पे कुछ ना होने के कारण, सब कुछ ऑफ सीज़न चल रहा है, तो यार कुछ भी ना है नहीं, मतलब गेस्ट हाउस में गेस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आगे, उन्होंने हमें खुद बोला कि आप हम रुकवा देंगे आपको, रुक जाओगे, लेकिन पानी नहीं है, पानी के बिना क्या करोगे, पानी फ्रीज हो जाता है, तो आपको ले में ही सारे होटल्स मिलेंगे, मैंने कहा चलो देखते हैं, अगर ले में मिलेंगे तो चलते हैं ले तक, तो बस भगा के गाड़ी लेके आए, और रात को मैं यही चाह रहा था कि अगर हम वहाँ रुकते तो ईज़िली दिन का एक व्यू बहुत प्यारा आ जाता, तो चलो अगर नहीं आ पाया तो कल भी आपको व्यू देंगे अच्छा सा। अभी जो भी हमें पहला मैं होटल में घुसा वहाँ पे, तो ना हेडक्वार्टर साउंड का होटल था, होटल बंद पड़ा उसके साथ हेडक्वार्टर में, वहाँ पे चला गया, उन्होंने भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया सीआरपीएफ वालों ने, वही भैया ने बोला कहवा पीते हैं थोड़ा भैया, थैंक यू, कैसा है ये टेस्ट में कुछ टेस्ट ओके रिपोर्ट, अगर टेस्ट होगा तो मैं तो और ले लूँगा भाई, ओहो हो मज़ा आ गया, बेस्ट यार बेस्ट, इसमें केसर भी डाला हुआ है, केसर भी डाला हुआ है इसमें, ये कश्मीरी कहवा है सर, कश्मीरी कहवा, यस सर। अच्छा जैसे चाय बनती है ये यहाँ का चाय है, ये यहाँ की चाय है, लेकिन यार बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया ठीक है यार, ये वेलकम ड्रिंक है यार, ओह वैसे आप चाय ऑर्डर कर सकते हैं, अच्छा ये वेलकम ड्रिंक है वैसे, नाइस यार बहुत, थैंक यू स्पेशली इसके लिए। तो भाई हम पहुंच गए होटल में, वैसे हमने सामान वगैरह रख दिया है, थोड़ा सामान आ रहा है, मैंने कहा आपका एक बार रूम टूर दे देता हूँ, हर जगह का मैं चल देता हूँ, लाइट बंद हो गई अभी, आ जाओ ऐसा कुछ ये रूम है यहाँ का, ये तीनों बेड है, हम तीनों के लिए सेट हो जाएंगे, मैं तो वहीं रहूँगा भाई, मैं इधर जाऊँगा, नहीं मैं रहूँगा वहाँ, तो भाई ऐसा कुछ रूम है, और बाहर का व्यू बाहर का व्यू दिखा देता थोड़ा सा, ये देखो बाहर का व्यू थोड़ा आएगा नहीं अभी रात को इतना खास, लेकिन दिन में मैं आपको दे दूंगा बहुत ज़बरदस्त व्यू है, और भाई इधर मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे बैठ के हम एडिटिंग करेंगे बढ़िया, और टीवी चल रहा है,
टाटा स्काई एज यूजुअल, मिनी बार दे रखा है, दारू दूरू। और भाई गलती से भी कोई आता है ना यहाँ पे, कुछ गलती से खाने की कोशिश मत कर लेना, क्योंकि अगर किटकैट बाहर कितने की आती है, 20 रुपए की, तो यहाँ का रेट पता क्या है भाई किटकैट का, 300, समझ रहे हो, 300 रुपए किटकैट। निचोड़ देते हैं पूरा, निचोड़ पूरा, एक एक पैसा निकाल लेंगे अंदर से। और ये भी भाई यहाँ से जो भी है ना, कुछ भी वो नहीं करना, दस दो गिलास पड़े यहाँ, पानी पीनी पुनी इतनी कुछ है नहीं, इतनी कुछ क्या हमने पीनी नहीं है, वी आर शुद्ध, वी आर शुद्ध बंदे, नहीं वी आर शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, वी आर प्योर वैष्णव। और यहाँ पे भाई ऐसा सामान यहाँ पे रख दिया था हमने, यहाँ पे लॉन्ग वगैरह रखे हुए हैं अपने, तीनों की स्लीपर्स आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये होटल है अब्दुल अब्दुल, वॉशरूम, ये वॉशरूम है ऐसा कुछ। अब तो भाई ऐसा नहाएंगे ना, बस पूछो मत, अभी बस मैं कपड़े उतार के नहाने जाऊंगा, बाद में एडिटिंग करूंगा, ठीक है ना, बाद में एडिटिंग करूंगा, अभी नहाने नहीं है। तो बाकी बातें आपको मैं बाद में बताता हूँ क्या हुआ, मेरे को करनी थी एक्चुअली, हम सबको करनी थी कैंपिंग, इसलिए नहीं हम कर पाए क्योंकि रीजन बिहाइंड इसके ये है, हमने जाके ना पूछा, पहले जाती हम हेडक्वार्टर में गए, लेके आते ही रात हो गई थी काफ़ी, तो उन्होंने बोला कि भाई आप कह रहे आप कैंपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कैंपिंग के लिए अलग जोन है, अलग ही जोन है, वो होटल्स के आसपास नहीं होती कैंपिंग, अलग तरफ आपको जाके कैंपिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है भैया, वैसे उसने बात की, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो अगर आप वहाँ पे कैंपिंग करोगे तो बाई चांस स्नो आ गई, माइनस में टेम्परेचर चला गया, तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यार हमें आदत तो है नहीं ऐसी, हम तो एक शौक के लिए कर रहे हैं। तो हमने यार बात मानी उनकी, कायदे में रहे। तो उसके बाद उन्होंने बोला यहाँ पे होटल्स हैं, होटल्स ले लो और जाके देखो, स्टार्टिंग टू एंड अभी लेह तक कोई भी गेस्ट हाउस ओपन नहीं था, हमने रेस्टोरेंट्स भी बड़े देखे, कोई भी ओपन नहीं था, लेकिन लेह के पास भी नीमो, क्या था वो नीमो, वो एक्चुअली मिलिट्री एरिया था ना, मिलिट्री एरिया के अंदर ही आता है नीमो रेस्टोरेंट, तो उधर हमने जो भी कॉफ़ी और वो खाया था, मैगी वगैरह खाई थी, तो वहाँ पे आता है। तो भाई उधर से भी हमने पूछा था, उन्होंने बोला कैंपिंग नहीं करने देंगे, बट फिर भी हमने आके यहाँ पे बात की, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं हो सकता ऐसा, आप जाके होटल ही लो। तो होटल में भी एक दो हमने पूछे, बंद, कह रहे नहीं क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है। ये यार पता नहीं, ये मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा, लेह में नवंबर के एंड में आइस गिरनी स्टार्ट हो जाती है, स्नो पड़नी स्टार्ट हो जाती है नवंबर के एंड में, दिसंबर जनवरी 10 आ गया है, 9-10 जनवरी आ गया, तो भाई अब नहीं, अभी तक बर्फ नहीं पड़ी है यार, तो इसलिए सबको लगता है ऑफ सीजन है, तो सबने बंद किया हुआ है, कोई भी नहीं आ रहा है। हमारी गाड़ी चल रही थी पूरे रास्ते, या लोडिंग, जो लोडिंग वाले ट्रक होते हैं या टेम्पो ट्रैवलर होते हैं वो चल रहे थे, लोडिंग वाले। तो उन्होंने स्पेशली बोला कि आप होटल्स ले लो यहाँ पे आके, तो हमने बड़े पता किए होटल, हमें यही होटल दिखा, क्या नाम है इसका, अब्दुस, द अब्दुस, यही होटल दिखा, आते ही हम यहाँ पे आ गए। हमने कहा ठीक है यार, सुबह एक्सप्लोर करेंगे जो भी है सारा का सारा, सामने ही मिलिट्री एरिया, आते ही हेलीकॉप्टर्स वगैरह दिखे थे, जेट खड़ा हुआ था, बुलडोजर वगैरह, काफ़ी मतलब यार एक ना सेफ फील होता है इंडिया, ऐसा लगता है कि जान है, सल्यूट है, ऐसा ना सल्यूट है इंडियन आर्मी को। और वैसे इस होटल में घूमने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि गेमिंग एरिया भी नीचे, हाँ ये जो होटल है ऐसा बहुत तगड़ा होटल है ये भी, और इसमें गेमिंग अलग है, पूल वगैरह अलग है, मैं दिखाऊंगा आपको अगर हो सकता है, पूल स्विमिंग पूल वाला नहीं, हाँ स्विमिंग पूल वाला नहीं, स्नूकर वाला पूल, तो यार दिखाऊंगा अगर, वैसे अभी यार हम थके हुए हैं, टूटे पड़े हैं, हमें पता क्या था, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ले, हमें क्या था, जो हम देखते हैं नेचुरली रील्स में कि रोड बिल्कुल सीधी सीधी है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, जब आप आओगे मनाली से तब आपको ये रोड दिखेगी सीधी, और मनाली से रोड पड़ा है बंद, अभी हमने पता किया है, भैया ने भी पता करवाया कि आप हमें बता देना अगर मनाली से ओपन हुआ तो हम जाते हुए मनाली से जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही बेकार रास्ता है यार, मतलब zigzag सिर घूम जाता है, कमर टूट जाती है, बैठे बैठे बुरा हाल हो जाता है। सबसे पहले हम रुके थे चंडीगढ़ के बाद उधमपुर, जो भी आपने देखा था, उसके बाद हमने दूसरा स्टे लिया था श्रीनगर के पास आके, श्रीनगर के थोड़ी पीछे, सोनमार्ग से थोड़ी पीछे, सोनमार्ग से भी थोड़ी पीछे। उसके बाद तीसरा हमने जो स्टे लिया था अभी कारगिल में गया था, वो भी आपने देखा। तो तीसरे स्टे के बाद गाड़ी अब यहाँ पे पहुंची है भाई, और ऊपर से गाड़ी डेली खुलती थी, ऐसे नहीं कि गाड़ी में कोई दिक्कत है, बस दिक्कत ये थी पहले दिन खुली गाड़ी टायर की वजह से, दूसरे दिन गाड़ी खुली है वही इसकी गलती की वजह से, जो भी हुई है मतलब जो भी, चलो छोड़ो जो भी हुआ, अब आज भी गाड़ी इसलिए खुली है क्योंकि हमें हेडलाइट नहीं थी हमारे पास। बाकी चलो अब कल क्या एक्सप्लोर करते हैं देखते हैं, अभी तक हमारा लेह तक सफर था, एक्चुअली हमें यहाँ पे आना था लेह में, अब यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है, अब भी देखते रहना,
बने रहना एसडीबी में यार, प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जितना हो सकता है यार फैलाओ मेरे चैनल को। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मैं पता है क्या चाह रहा था, सच बताऊँ, मेरा दिल था मैं लेह में आके कैंपिंग करूँ, लेकिन यहाँ पे यार -11-12 डिग्री होने के कारण इन्होंने हमें मना कर दिया कि नहीं आप नहीं कर सकते हो। और बाई चांस यार पता नहीं रात रात में मौसम खराब हो जाता है, तो कह रहे नहीं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी कैंपिंग की जगह भी दूर है। मैं यार ठीक है, जैसे उन्होंने कहा, तो यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही करेंगे जो भी करेंगे। बट यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा, सुबह देखते हैं आपको टूर देंगे होटल का, अगर टूर देने वाला होटल आया तो टूर देंगे ना, और बाहर से भी आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है मेरी, जितना हो सकता है सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो ये ब्लॉग, जितना भी होता है मैं अच्छे से अच्छे नए नए ब्लॉग लेके आता रहूँगा। जहाँ भी मैं जाऊँगा आपको दिखाऊँगा मेरा डेली का दिनचर्या, जो भी होता है, जो जो मेरे साथ होता है, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको, और नए नए एडवेंचर करने का मौका मिलेगा इन फ्यूचर। तो आप देखते रहना, बने रहना जितना हो सकता है। यार मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, अभी मोनेटाइज हुआ नहीं है, तो प्लीज़ यार आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के सब्सक्राइब बटन से हिट कर दो, उसी से मोनेटाइज होगा। आपको पता है एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना मेरा, मुझे इतनी खुशी होती है ना एक सब्सक्राइबर बढ़ने से। और आप सोच के देखो, अगर मोनेटाइज हो गया चैनल, भाई फाड़ देंगे सिर्फ मोनेटाइज से। सच बता रहा हूँ, अभी मुझे कोई ऐसा नहीं है, बस मुझे ना अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, डेली ब्लॉगिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि बहुत टफ जॉब है ये, बहुत टफ जॉब है। मतलब मेरी सिस्टर की मैरिज थी, मैंने तब भी ब्लॉगिंग की, मतलब रात को 2-2 बजे तक सोता हूँ, सर चकरा जाता है मेरा, एडिटिंग करता हूँ। मेन बात मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं मेहनत करता हूँ, ये वो मेहनत सारे करते हैं, बट मैं ये बता रहा हूँ मैंने खुद ने ये लाइन चुनी है, मैंने खुद चूज की है ये हार्ड लाइन। अब मैं कंटिन्यू स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, राधा माधव हाथ रखें, मैं हटूंगा नहीं। बस आपकी सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ कोशिश करना जितना हो सके मेरे को सपोर्ट करना यार, बस दिल से यही दुआ है। आप सब राजी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी हो, बस यार मेरे को बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करवा दो यार चैनल। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट तो जरूर करो कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मैं मानता हूँ आपको भी मेरी लाइफ में इंटरेस्ट क्यों होगा, लेकिन यार थोड़ा सा लेके देखो, आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजा ना आ जाए तो क्या ना, फाड़ू फाड़ू ब्लॉग आएंगे, सच बता रहा हूँ। तो चलो यार, अब मैं नहाया हुआ हूँ सुबह, बट बाथरूम इतना अच्छा है यार, देख के दिल कर रहा है मैं दोबारा नहाऊं, ठीक है। तो नहाते हैं फिर रात को एडिटिंग के लिए बैठना यार। यहीं पे आज का ब्लॉग समाप्त करता हूँ, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।